In Mumbai now, where a 25-year-old intern from the Nair Hospital who was run over by a sedan at Marine Drive in Mumbai has now passed away. The incident took place on the 24th of March and the victim succumbed to injuries. In fact, yesterday, Dipali Lahmate was knocked down by a speeding car at the pedestrian crossing after it jumped the red light. The accused Shikhar Zaveri was in fact chased by an eyewitness and later taken to the Marine Drive police station. The family alleges that she was given VIP treatment at the police station and the FIR was lodged after nearly 6 hours, after which she was granted bail. CCTV camera at Marine Drive is also non-functional for the past 3 months. Himachi Chaudhary filed us this report. Dipali Lahmate was crossing the pedestrian crossing on 24th of March when she was hit by a Honda City at Marine Drive. Now, there was a clear case of hit and run because the accused immediately ran and did not stop to see the victim also. She was immediately caught by one of the eyewitness on the later signal and was taken to the Marine Drive police station where non-bailable offences were lodged against her. She was the victim was admitted in the Bhatia Hospital and was later transferred to Sir JJ, but now she has finally succumbed to her injuries and passed away. The police is now saying that further charges like 304A will be lodged against the victim, against the accused, and she will be taken into custody as soon as possible. This is Himanshi Chaudhary signing off for Mirror Now. उस दिन मेरा convocation था 24 मार्च को 3 बजे मैं वहाँ पहुँचा था ना पुलिस जिमखाना उस वक्त वो भी करी रोड स्टेशन से उसकी पोस्टिंग कंप्लीट करके नायर हॉस्पिटल से डेंटल वहाँ से तारापुर वाला एक्वेरियम तक आ गई. रास्ता क्रॉस करना ही था कि एक रेड सिग्नल लगा था. वो रास्ता क्रॉस कर रही थी कि एक लेडी आया, सिग्नल ब्रेक किया और उसे हिट करके आगे चली गई. फिर वहाँ पे जो आई विटनेस था, बहुत से लोग थे, लेकिन एक ने उससे आगे जाके उस लेडी को पकड़ा, उसको रोका वहाँ पे और पुलिस स्टेशन लेके गए. और फिर क्राउड ने वहाँ पे जो मदद की, फिर हम लोग उसका मोबाइल और उसकी पर्स वहाँ पे ही थी. फिर वहाँ से कॉल आना शुरू हो गया मम्मी के पास, मम्मी गांव को थी. फिर फ़ोन करने पर मम्मी ने मुझे कॉल किया और बोला कि ऐसा ऐसा फ़ोन पे कोई तो बात कर रहा है, टैक्सी ड्राइवर वगैरह, तो जल्दी से कॉल कर. मैंने कॉल किया तो फिर वहाँ पर उन्होंने बोला कि एक्सीडेंट हुआ है तारापुर वाला एक्वेरियम के सामने, वहाँ पे जाओ, आ जाओ. नॉट पुट बिहाइंड द बार्स, यू आर सिटिंग ऑन दैट चेयर ओनली. और उसको ऊपर से उसके घर वाले सैंडविच है, फिर बाद में दूध का कुछ, कैफे बे का कुछ ठंडा वगैरह, आइसक्रीम वगैरह अब आ रहा था उसको. दैट वॉज आई वॉज सरप्राइज, बिहाइंड तो लिया ही नहीं है. और सबसे पहली बात थी, उसके फैमिली भी वहाँ पे आ गई थी और उसके फैमिली भी मेरे से फाइट करे चालू हो गए थे. और पुलिस उसको देख रहे, मैं भी बैठ में चढ़ गया, मेरा भी फाइट चालू हो गया. उसको भड़कम भड़की हुआ, तुम लोग था नहीं, मतलब तुम लोग कैसा है, मैं तुम्हारी लड़की ने किसी लड़की की जान ली है तो तुम लोग समझते क्या हो, बोला ये सब में. द लेडी इंस्पेक्टर वो शाउटिंग में हो तो मैं ये करो वरना तुमको अंडर करूँगा, क्योंकि बिकॉज यू आर टेकिंग नॉट टेकिंग हिज हर कंप्लेन. उसको आराम से घर वाले इसको क्यों सपोर्ट कर रहे, क्यों आ रहे हैं, बोला वो लोग था स्पॉट पे, बोला. फिर उन लोग ने आस्ते आस्ते उसको बाहर निकाला, ठंडा हुआ. फिर बाद में उस लड़की से पहला सब पूछ के ले लिया क्या क्या है. देन दे क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन, गाड़ी का नंबर नोट किया क्या, आप वहाँ पे क्या कर रहे थे, आप उस तरफ देख रहे थे, इस तरफ देख रहे थे, मतलब मैडम देखना और जानना नहीं है, मैं आपके सामने गाड़ी आदमी और जो बॉडी है उधर आपको सामने ला दिया हूँ, उसका आपका काम नहीं है. उधर सीसीटीवी है, सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए कि किसकी गलती है.